Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we will discuss a new poem from class 10th first light book. That is poem number 10, The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. Okay, so first of all we'll discuss about the main characters of this poem, then introduction and detailed summary. So let's start with the main character. First character, Belinda. Okay, a little girl who owns many pets. Second character, Ink, a black kitten. Blink, a grey mouse. Mustard, a yellow dog. Custard, a coward dragon. Okay, pirate, who attacked Belinda's house. Introduction of this poem, The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. Okay, it's a poem about a little girl, Belinda, who owns many pets. ये poem है एक little girl, Belinda के बारे में, जिसके पास बहुत सारे pet थे. Okay, और उनके name थे, अ ब्लैक किटन नेम्ड इंक, ब्लैक किटन का नाम इंक था. ग्रे माउस नेम ब्लिंक, और ग्रे माउस का नाम ब्लिंक था. येलो डॉग नेम मस्टर्ड, और येलो डॉग का नाम मस्टर्ड था. एंड अ कवर्ड ड्रैगन नेम कस्टर्ड, और कवर्ड ड्रैगन था उसका नाम कस्टर्ड था. द पोइट हैड डिस्क्राइब्ड एवरी क्रिएट करेक्टर टू बी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन हु इज कवर्ड. ओके, सो यहाँ पे सभी करेक्टर, जितने भी पैट थे बेलिंडा के पास, सभी के सभी पैट को पोइट ने यहाँ पे ब्रेव बताया है, जबकि ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड था उसको कवर्ड बताया है. ओके, बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन अ पायरेट अटैक बेलिंडाज हाउस. लेकिन सारी सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब बेलिंडा के घर पे एक पायरेट, एक रॉबर, ठीक है, अटैक कर देता है. नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम. किसी के पास गट्स नहीं था कि उसको फेस कर सके. इट वॉज अ ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट. ये ड्रैगन था, ठीक है, जिसको कि ये सभी कावर्ड बोलते थे, लेकिन उसने पायरेट को किल कर दिया. ओके, ऑल द करेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर सेव्ड बाय द ड्रैगन. और सारे के सारे करेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं, सभी पैट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि ड्रैगन ने उनको बचा दिया है. ओके, बट क्विकली चेंजेस द थॉट्स एंड डिस्क्राइब देमसेल्फ टू बी मोर पावरफुल हैड द सिचुएशन नॉट बीन सो कन्फ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ देम. लेकिन एकदम से फिर से सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है, और वो सभी के सभी अपने आप को फिर से ब्रेव बोलने लगते हैं, जबकि जो कावर्ड था उसने ब्रेवरी से मुकाबला किया, वहाँ पे ब्रेवरी से फेस किया ड्रैगन को, पायरेट को, ठीक है, जबकि बाकी जितने भी ब्रेव पैट थे वो सारे छुप गए थे. ओके, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1, बेलिंडा लिव्स इन अ लिटल वाइट हॉर्स. ओके, इन दिस पोएम, in this stanza, poet is telling about a little girl Belinda, okay, who owns many pets. इसके पास बहुत सारे pet थे, Belinda के बारे में बता रहे हैं. So, Belinda lives in a little white house. कि Belinda एक little white house में रहती थी, okay, with a little black kitten. उसके पास एक little black kitten था, okay, and little grey mouse भी था, and little yellow dog, और उसके पास little yellow dog भी था, and a little red wagon, और उसके पास लिटल रेड कलर की वैगन थी. वैगन मीन्स अ व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड, ठीक है, व्हीकल जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है. ओके, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटल पैट ड्रैगन, और उसके पास रिलियो ट्रूलियो लिटल पैट ड्रैगन भी था. ओके, रिलियो मीन्स रियली, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली. ओके, सो नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वॉज इंक. सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज टेलिंग अबाउट द नेम, ओके, नेम ऑफ बेलिंडाज पैट्स, कि बेलिंडा के पैट्स के नेम क्या थे, इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है, ठीक है. नाउ द पोइट नेम द लिटल ब्लैक किटन वॉज इंक. ओके, सो इन दिस लाइन पोइट इज टेलिंग दैट जो लिटल ब्लैक किटन था उसका नाम इंक था. ओके, एंड द लिटल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो लिटल ब्लैक, लिटल ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक. ओके, एंड द लिटल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो लिटल येलो डॉग था, ठीक है, वो शार्प था मस्टर्ड की तरह, और उसका कलर था मस्टर्ड की तरह, तो इसलिए उसको मस्टर्ड रखा था उसका नाम. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, ठीक है, वो डरपोक था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए वो उसको कस्टर्ड बुलाती है. स्टैंजा नंबर 2, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, एंड रिलियो ट्रूलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज. ओके, इन दिस स्टैंजा पोइट इज गिविंग अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रैगन. ओके, इस स्टैंजा में पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया ड्रैगन के, कि ड्रैगन का जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था. ओके, सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ,
जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके विग शार्प टीथ थे एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप में स्पाइक्स बने हुए थे, ठीक है, और उसके नीचे उसके स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका माउथ, ड्रैगन का माउथ ऐसा था जैसे कि मान लो वो फायर प्लेस हो, ओके। चिमनी फॉर अ नोज, और जो नोज था वो चिमनी की तरह लग रहा था, ओके, और ऐसा लग रहा जैसे उसके नोज से स्मोक निकलता और वो चिमनी की तरह लग रहा था। एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन इन हिज टोज, ओके, रियलियो मीन्स रियली एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रूली, ओके, और रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज ऐसे थी जैसे मान लो डैगर, जो शार्प डैगर्स, ओके। वेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ वियर, ओके, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज टाइगर इन द रेस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज टेलिंग अबाउट द एंड वेलिंडाज पेट्स, ओके, हाउ दे बोस्ट, वो किस तरह से बोस्ट करते हैं। सो पोएट इज टेलिंग अबाउट कि वो अपने आप को ब्रेव बताते हैं, किस तरह से ब्रेव बताते हैं। वेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ फियर, कि वेलिंडा उतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल मीन्स ग्रुप ऑफ बियर, ओके, जैसे कि ग्रुप ऑफ बियर होते हैं, ठीक है, उसी तरह से उतनी ही वो ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो कि अभी भी लाइन को स्टेयर से नीचे तक चेज कर सकते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज, ठीक है, और मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना कि टाइगर एंगर में होता है, रेज मीन्स एंगर, ठीक है, जितना कि मस्टर्ड एंगर में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेव, लेकिन कस्टर्ड जिसको कि सभी के सभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टीज करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो कावर्ड है, ठीक है, उसके कावर्डनेस के लिए उसको बहुत ज़्यादा टीज करते हैं। तो इसलिए जो मस्टर्ड है, जो कस्टर्ड है, ठीक है, वो राइल्स जो नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता है कि उसको नाइस सेफ केज पे जाना है, वो नाइस सेफ प्लेस अपने लिए ढूंढता रहता है, ओके। स्टैंजा नंबर थ्री, वेलिंडा टिकल्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। वेलिंडा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ड्रैगन है, ठीक है, उसको सभी टीच करते हैं, और कैसे टीच करते हैं, वेलिंडा उसको टीच करती है उसको बहुत ही अनमर्सीफुली, ठीक है, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उसको टीच करती है, चिढ़ाती है उसको। इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सीबल, लेकिन इंक ब्लिंक मस्टर्ड ये सारे रूडली उसको पर्सीबल बोलते हैं, ओके। पर्सीबल इज अ नाइट, ओके, नाइट है एक नॉवेल में, आर्थर के कोर्ट में वो नाइट था पर्सीबल, ठीक है, तो इसलिए उसको पर्सीबल बोलते हैं। पर्सीबल जो कि एज में बड़ा था लेकिन वो छोटे बच्चों वाली हरकतें करता था, ठीक है, वो डरपोक था, वो दिखाता था कि ब्रेव है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कावर्ड था। सो दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन, तो जितने भी वेलिंडा के पैट हैं, ठीक है, वो वैगन में बैठते हैं, रेड कलर की वैगन में जो कि इस पिक्चर में है, ठीक है, रेड कलर की वैगन में बैठते हैं और जोर जोर से लाफ करते हैं, वो सारे ड्रैगन को चिढ़ाते हैं। एट अ रेलियो टूलियो कावर्ड ड्रैगन, और उसको बोलते हैं कि वो क्या है, रेलियो टूलियो कावर्डली ड्रैगन, कि वो रेलियो टूलियो कावर्डली ड्रैगन है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। वेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, ठीक है, और वेलिंडा इतने जोर से हंसती है, गिगल्ड मीन टू लाफ, हंसना, ठीक है, वेलिंडा इतने जोर से हंसती है कि वो पूरे घर को हिला देती है, उसके पूरे घर में उसका जो पूरा हाउस है वो इको साउंड करने लगता है उसके हंसी से। द ब्लिंक सेड वेक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, ठीक है, और ब्लिंक जो माउस था वो भी उसके ऊपर लाफ करता है, और वो विक बोलता है, ठीक है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिम एज, ओके, और इंक और मस्टर्ड रूडली उसकी एज पूछते हैं, ओके। When Custard cried for a nice safe cage, और Custard जो dragon है वो nice safe cage के लिए cry करता है क्योंकि उसको safe place पे जाना है, okay? क्योंकि वो इन सब की बातों से थक गया है, वो बहुत ज़्यादा teach करते हैं इसको, इसलिए वो nice safe cage में जाना चाहता है। Stanza number 4, suddenly the heard a nasty sound, nasty means unpleasant, bad, okay? Suddenly एकदम से वो sound सुनते हैं, unpleasant sound उनको सुनाई देता है। And mustard growled and they all looked around. Okay? Mustard जोर से growl करता है जब उनको pleasant sound सुनाई दे, unpleasant
साउंड सुनाई देता है तो मस्टर्ड जोर से ग्राउल करता है और वो सारे एक दूसरे आसपास देखने लगते हैं। म्यू क्राइड द इंक, और जो इंक होती है किटन, ठीक है, वो म्यू करती है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ओ बोलती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, पायरेट मीन्स अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी, ठीक है। पायरेट क्या होता है, रॉबर होता है, ओके, जो लुटेरा, ओके। और फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स इट्स यूज फॉर विंडो, ओके। सो देखते हैं वो सारे पैट्स और बेलिंडा देखते हैं कि एक पायरेट विंडो से होते हुए ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ओके। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ओके। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, ही हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन नो गुड, ओके। सो इन दिस लाइन पोइट इज गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पायरेट, कि पोइट बता रहे हैं वट वॉज द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट, की पायरेट की फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें, ओके। फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है पायरेट की। सो पिस्टल, पिस्टल मीन्स हैंड गन्स, ओके। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन इज राइट हैंड, कि जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों ही हैंड में पिस्टल थी, मीन हैंड गन थी। एंड ही हैल्ड इन इज टीथ अ कटलस ब्राइट, और उसके टीथ में एक कटलस ब्राइट था, ठीक है, एक शार्प सा वेपन था। His beard was black, उसकी beard black थी। One leg was wood, और उसकी one leg wood की बनी हुई थी, जैसे कि picture में है, okay? It was clear that pirate meant no good, और ये clear था कि जो pirate है उसका जो purpose था वो good नहीं था, वो अच्छा नहीं था, means वो bad purpose से वहाँ पर आया था, so उसके appearance से पता लग रहा था, okay? Stanza number 5, Belinda paled, paled means turn yellow to due to fear, fear से pale पड़ जाना, फिर से पीला कलर हो जाना, ओके। सो बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, ओके। सो बेलिंडा डर के मारे पेल हो जाती है और वो क्राई करती है, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। बट मास्टर फ्लैड विद अ टेरिफाइंग एल्प, एल्प का मतलब अ शॉर्ट शार्प क्राई, और जो मस्टर्ड होता है वो टेरिफाइंग क्राई करता है, ओके। इंक ट्रिकल्ड डाउन, ट्रिकल डाउन मीन्स रन करना, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ओके। और जो इंक है वो ट्रिकल डाउन करता है, ठीक है, वो घर में जितनी चीज़ें रखी हैं उन चीज़ों के नीचे चला जाता है। एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, ओके। स्ट्रैटेजिकली मीन्स वो प्लान बनाता है, ठीक है, प्लानिंग करता है। सो लिटल माउस हो, माउस ब्लिंक, ठीक है, वो प्लानिंग करता है कि वो माउस होल्ड में चला जाएगा, ओके। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और गैप मीन्स मुंह खुला का खुला रह जाना, ओके, डर के मारे मुंह खुला रह जाना। एंड पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट जब बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड गल्प, गल्प मीन्स स्वेलो, निगलना, ठीक है। एंड गल्प सम ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स अ ड्रिंक, ओके, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगटन, फ्लैगटन मीन्स अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड, ठीक है, एक सिल्वर का बना हुआ कंटेनर जिसमें ड्रिंक स्टोर किया जाता है, ओके। सो पायरेट क्या करता है, पायरेट देखता है ड्रैगन को तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, और एकदम से वो अपना ड्रिंक निकालता है अपने सिल्वर कंटेनर से और उसको पीता है, ठीक है। ही फायर टू बुलेट, फिर वो टू बुलेट चलाता है, बट दे डिंट हिट, लेकिन वो हिट नहीं कर पाती है ड्रैगन को, मिस हो जाती है, ओके। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड, गॉबल्ड मीन्स स्वेलोड हरिडली, और इस तरह से कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो एकदम उसको निगल लेता है, उसका एक एक पार्ट खा जाता है। एवरी गैप स्टीयर विद माउथ वाइड ओपन, ठीक है, जिसने कि माउथ वाइड ओपन रखा था वो डर गया था पायरेट ड्रैगन से, उसके हर एक पीस को, ठीक है, उसके हर एक बॉडी पार्ट को वो खा जाता है, ओके। स्टैंजा नंबर 6, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मीन टू हग, ओके। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा जब देखती है कि ड्रैगन ने क्या कर दिया है, पायरेट को खा लिया है, पायरेट को डरा दिया है, पायरेट को खा भी दिया है और उसको किल कर दिया है, ठीक है, तो सारे पेट बेलिंडा के, और बेलिंडा बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। सो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसको हग करती है ड्रैगन को, ओके। मस्टर्ड लीक्ड हिम, और मस्टर्ड उसको चाटने लगता है, ओके। नो वन मॉन्ड, मॉन्ड मीन्स फील सॉरो
फॉर द डेथ. ठीक है, और किसी को भी सौरव फील नहीं होता पायरेट की डेथ पे. ठीक है, वो सारे खुश होते हैं, किसी को भी दुख नहीं होता है. नो वन मॉर्न फॉर द पायरेट विक्टिम. ठीक है, पायरेट विक्टिम की डेथ पे कोई भी मॉर्न नहीं करता है. इंक एंड ब्लिंक एंड इन ग्ली, ग्लीमन मीन्स डिलाइट. ओके, डिड डांस. और इंक एंड ब्लिंक ड्रैगन के चारों तरफ डांस करने लगते हैं हैप्पीनेस के साथ. अराउंड द ड्रैगन दैट ईट. ठीक है, उस ड्रैगन के अराउंड डांस करने लगते हैं जिसने कि पायरेट को निगल लिया था, खा लिया था. ओके, स्टैंजा नंबर 7. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. ओके, बट प्रेजेंटली जो लिटिल डॉग मस्टर्ड होता है, ठीक है, वो अब क्या बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रीफ इफ आई हैडन बी फ्लस्टर्ड. फ्लस्टर्ड मीन्स अपसेट या फिर कन्फ्यूज. ओके, सो अब डॉग बोलता है कि अगर मैं कन्फ्यूज नहीं होता, ठीक है, तो मैं ड्रैगन से डबल पावर का होता, मेरी पावर डबल होती. ओके, एंड अप स्पोक इंक, अप स्पोक ब्लिंक. ठीक है, और इंक और ब्लिंक बोलते हैं वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक. कि हम थ्री टाइम ड्रैगन से थ्री टाइम ब्रेव होते अगर हम कन्फ्यूज नहीं होते. ठीक है, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. और कस्टर्ड, उसको कोई प्राउड नहीं होता, वो बोलता है कि मैं आप सबसे अग्री करता हूँ, आप सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो. ओके, सो बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अर लिटल वाइट हाउस. सो यहाँ पे पोइट ने फिर से उन्हीं लाइन्स को रिपीट किया है. बेलिंडा अभी भी अपने लिटल वाइट हाउस में रहती थी, ठीक है, विद अ लिटल ब्लैक किटन, अपने लिटल ब्लैक किटन के साथ, एंड लिटल ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटल येलो डॉग, एंड हर लिटल रेड वैगन, और अपने लिटल रेड वैगन के साथ, एंड हर रेलियो टूलियो लिटल पैट ड्रैगन, और अपने रेलियो टूलियो लिटल पैट ड्रैगन के साथ, इन सब पैट्स के साथ वो रहती थी. ओके, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ वियर्स. और बेलिंडा उतनी ही ब्रेव थी अभी भी जितने की बैरल फुल ऑफ वियर्स, जितना की बैरल बियर का झुंड. ओके, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर. और इंक एंड ब्लिंक अभी भी बोस्ट करते थे कि वो लाइन को स्टेयर तक चेज कर सकते थे. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज. रेज मीन्स एंगर. ठीक है, और मस्टर्ड अभी भी बोस्ट करता था कि वो टाइगर को एंगर में, जैसे कि टाइगर ब्रेव होता है एंगर में, वो मस्टर्ड भी वैसा ही है. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड था वो अभी भी क्राई करता था कि उसको नाइस सेफ केज में जाना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.